नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 मई, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज बिहार में चौथे चरण के तहत 5 सीटों पर होगा मतदान। स्मार्ट मीटर में आई तकनीकी समस्या, माइनस में गया मीटर तो रिचार्ज करने में लगेगा समय। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा यूनिक आईडी नंबर। हीरा मंडी में नवाब की भूमिका में दिखे शेखर सुमन, तो सोनाक्षी सिन्हा ने भी जीता सबका दिल। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना है बेहद ही आसान, नहीं बनवाने पर 10,000 का लगेगा जुर्माना। आज केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच होगा दिलचस्प मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में निकली भर्ती, जल्द करे आवेदन। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ड्राइवर के 50 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती ड्राइवर के कैडर पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट barc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल से ही शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 मई 2024 है। इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क एकदम निःशुल्क है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार इस आधिकारिक वेबसाइट अधिसूचना को देख सकते हैं। आज बिहार में चौथे चरण के तहत 5 सीटों पर होगा मतदान। बिहार में आज यानी 13 मई को 5 सीटों पर मतदान होने वाला है। ये मतदान बिहार के मुंगेर, बेगूसराय, उजियारपुर, दरभंगा और समस्तीपुर लोकसभा सीटों पर होगा। सभी चुनावी बूथों पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। चौथे चरण में इन 5 सीटों पर होने वाले चुनाव में बसपा से 5, कांग्रेस से 1, राजद से 3, जदयू से 1, भाजपा के 3 और लोजपा आर के 1 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बिहार में चौथे चरण में होने वाले चुनाव में केवल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 349 बूथ ही संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। संवेदनशील बूथों पर मतदान सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होगा, तो वहीं अन्य बूथ पर सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान देखने को मिलेगा। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे मुचलिंडा झील के बारे में। ये झील बिहार के गया जिले में महाबोधि मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो निरंजना यानी फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर देखने को मिलता है। ये इस झील को लेकर ऐसी मान्यता है कि जब भारी बारिश के दौरान भी गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे, तभी मुचलिंडा नाम के सांप जैसे दिखने वाले प्राणी ने गौतम बुद्ध की बारिश से रक्षा की थी। आपको बता दें कि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 6 महीने तक का समय बिताया था। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 99.52 बच्चों को मिली किताबें। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1,23,22,000 बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवा दी गई है। ये बच्चे 1 से 8वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। बता दें कि 1,23,75,000 बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में किताबें देने का लक्ष्य रखा गया था। ऐसे में लक्ष्य का 99.52% हिस्सा पूरा कर लिया गया है। स्कूलों में बच्चों के पाठ्य पुस्तक वितरण की मॉनिटरिंग सीधे शिक्षा विभाग की तरफ से की जा रही थी। बचे हुए बच्चों को जल्द ही किताबें उपलब्ध करवाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने इस बार सराहनीय कार्य किए हैं। शैक्षणिक सत्र के शुरुआती दिनों में ही लगभग सभी बच्चों के हाथों में किताबें पहुँच चुकी हैं। स्मार्ट मीटर में आई तकनीकी समस्या, माइनस में गया मीटर तो रिचार्ज करने में लगेगा समय। बिहार में लाखों बिजली ग्राहकों के घर में स्मार्ट मीटर लग चुका है, लेकिन अब स्मार्ट मीटर से जुड़ी एक समस्या सामने आई है, जिससे इस 16 लाख ग्राहकों का बिजली कनेक्शन खतरे में है। बिजली ग्राहकों को बता दें कि यदि आपके स्मार्ट मीटर का बैलेंस माइनस में जाता है तो 2 दिन का समय मिलेगा और उसके बाद आपकी बिजली गुल हो जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के लगभग 16 लाख बिजली उपभोक्ताओं के सिस्टम में किसी परेशानी के कारण एनर्जी चार्ज ही नहीं कट रहा है। 2 मई से लेकर अब तक लाखों बिजली ग्राहकों का एनर्जी चार्ज नहीं कट रहा है। तकनीकी समस्या के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन सुधार होने के बाद यदि डिसकनेक्शन हुआ तो रिचार्ज करने में अधिक समय लग जाएगा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा यूनिक आईडी नंबर। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा विभाग यूनिक आईडी नंबर देगा। ये यूनिक आईडी नंबर 12 अंकों का रहेगा, जिससे बच्चों को एक खास पहचान मिलेगी। बच्चों को ये आईडी कक्षा 1 में दी जाएगी और 12वीं तक चलेगी। इस आईडी के जरिए 12वीं तक के सरकारी स्कूल के बच्चे का एकेडमिक डिटेल भी देखा जा सकेगा।
आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की टीम ये कार्य चेन्नई के पढ़ाई की व्यवस्था के आधार पर कर रही है। हाल ही में शिक्षा विभाग की टीम इस कार्य और आईडी की मदद से कैसे सारी व्यवस्था संचालित हो रही है इसे देखने के लिए और समझने के लिए चेन्नई गई थी। इस यूनिक आईडी की मदद से इस बात का पता चलेगा कि बच्चे ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है या आगे भी जारी रखी है। स्वतंत्रता दिवस पर 14 पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार देने की चल रही तैयारी। गृह विभाग से पुलिस मुख्यालय दोगुने पुलिस कर्मियों की अनुशंसा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार के लिए करने वाला है। आपको बता दें कि 51,000 रुपए के पुरस्कार हर साल वीरता का परिचय देने वाले 7 पुलिस कर्मियों को दिए जाते हैं। अब 14 आरक्षी जवानों व कर्मियों के अनुशंसा इस पुरस्कार के लिए किए जाएंगे। विभाग द्वारा इससे जुड़ा संकल्प भी जारी किया जा चुका है। साथ ही चयन समिति का पुनर्गठन भी पुलिस मुख्यालय के स्तर पर किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव महानिदेशक को बनाया गया है। वहीं सीआईडी के आईजी, आईजी मुख्यालय के साथ क्षेत्र में पदस्थापित वरीयताम आईजी व 2 वरीयताम डीआईजी को सदस्य के रूप में चुना गया है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरोपी का नीट पेपर लीक में भी नाम आया सामने। बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा पेपर लीक मामले में सरगना ग्रुप में नीतीश कुमार नाम के व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई थी। सरगना ग्रुप में शामिल इसी नीतीश कुमार नाम के व्यक्ति का अब नीट पेपर लीक मामले में भी नाम सामने आया है। आपको बता दें कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में इस व्यक्ति को हजारीबाग से पकड़ा गया था। हालांकि आगे मामले की छानबीन हुई तो इस व्यक्ति को सीधे तौर पर संलिप्तता नहीं पाए जाने के कारण और सबूत के अभाव में बेल दे दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से नीट पेपर लीक मामले में इस व्यक्ति का नाम फिर से सामने आया है, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे की कार्रवाई में जल्द ही पुलिस इसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना है बेहद ही आसान, नहीं बनवाने पर 10,000 का लगेगा जुर्माना। सभी गाड़ियों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी पीयूसी बनवाना जरूरी हो चुका है। यदि आप अपने गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान भी काट सकती है। इसका चालान 10,000 रुपये तक का कट सकता है। ये सर्टिफिकेट 1 साल तक का बनवाया जा सकता है, लेकिन किसी भी बाइक के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी महज 3 महीने ही होती है। आपको बता दें कि गाड़ी के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए 100 रुपये लगते हैं, तो वहीं बाइक या स्कूटी के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए 70 से 80 रुपये लगते हैं। इसे बनवाना बेहद ही आसान है। आप इसे किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर जांच करवाने के बाद 10 से 15 मिनट में बनवा सकते हैं। विश्वविद्यालयों के बजट को स्वीकृति देने से पहले शिक्षा विभाग करेगा समीक्षा। विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को स्वीकृति देने की कार्रवाई करने से पहले इसकी समीक्षा करने का निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है। अब विश्वविद्यालयों को शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे ही पैसा नहीं दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालयों के प्रस्तावित बजट की समीक्षा विभाग 29 मई तक करेगा। इस समीक्षा के बाद ही विश्वविद्यालयों के सभी शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन जारी किए जाएंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे प्रियेश सिन्हा के बारे में। इनका जन्म बिहार में ही हुआ था। ये पेशे से एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, स्टैंड अप कॉमेडियन और एंकर है। प्रियेश वर्ष 2009 में महुआ पर हंसी का अंकदा के विजेता भी रहे हैं। वर्ष 2007 में ये स्टार बना और द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज 3 में प्रतिभागी भी रहे और टीवी पर 4000 से अधिक एपिसोड व 1250 से अधिक शो में प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अभी सोशल मीडिया पर प्रियेश के लाखों फैन हैं जो उनके स्टैंड अप कॉमेडी के दीवाने हैं। ये कई जगहों पर स्टेज शो में भी देखे जाते हैं। पटना विमेंस कॉलेज बना नैक A++ ग्रेड हासिल करने वाला बिहार का पहला कॉलेज। बिहार के पटना विमेंस कॉलेज ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दरअसल नैक में A++ ग्रेड हासिल करने वाला पटना विमेंस कॉलेज बिहार का पहला कॉलेज बन चुका है। पटना विमेंस कॉलेज को इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल होने के बाद बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने बधाई दी है। राज्यपाल ने ट्वीट के जरिए कहा है कि पटना विश्वविद्यालय के पटना विमेंस कॉलेज को नैक द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त होने पर महाविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई। वहीं कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर मारिया रश्मि ने बताया है कि अगर कोई कॉलेज ऑटोनोमस होता है तो ऐसे में बेहतर ग्रेड लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन कॉलेज की टीचर्स, छात्राएँ, एलुमिनी, अभिभावकों के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ और IQAC टीम की कड़ी मेहनत के कारण ये संभव हो पाया है। हीरा मंडी में नवाब की भूमिका में दिखे शिखर सुमन तो सोनाक्षी सिन्हा ने भी जीता सबका दिल। अभी हाल में ही संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित सीरीज हीरा मंडी रिलीज हुई है। संजय लीला भंसाली के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बिहार के शिखर सुमन और सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आई हैं।
शेखर सुमन इस सीरीज में नवाब जुल्फिकार की भूमिका निभा रहे हैं। शेखर सुमन ने इस सीरीज में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके लिए उनकी खूब सराहना भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी सिन्हा को भी इस सीरीज में एक्टिंग के लिए काफी सराहना मिल रही है। बता दें कि इस सीरीज में तवायफों की अहम भूमिका को निभाया गया है, लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। बिहार में आज इन जगहों पर बनी रहेगी बारिश की संभावना। बिहार में कई जगहों पर बारिश और वज्रपात का असर देखने को मिल रहा है। इसके कारण प्रदेश में कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, कई जगहों पर तो छिटपुट वर्षा की स्थिति बनी हुई है। आज प्रदेश में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में एक या दो जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। अन्य जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। प्रदेश में कई जगहों पर मेघ गर्जन या वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना भी जताई गई है। राज्य के विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर में परीक्षा लेने पर हो रही परेशानी। पिछले साल राज्यों के कॉलेजों में स्नातक के लिए चॉइस क्रेडिट सिस्टम को लागू कर दिया गया था, जिसके बाद सेमेस्टर से परीक्षाएं शुरू हो गई। सेमेस्टर से परीक्षा शुरू होने के बाद अब परीक्षाओं की संख्या अब दोगुनी हो चुकी है। आपको बता दें कि पीजी और अन्य वोकेशनल कोर्स मिलाकर परीक्षाएँ और बढ़ जाएंगी। परीक्षाओं की संख्या बढ़ने से अब परीक्षाएं और इसके रिजल्ट में भी देरी होने लगी है, क्योंकि अब परीक्षा का दबाव विश्वविद्यालयों पर पहले से ही अधिक हो चुका है। पहले केवल साल में एक ही परीक्षा होती थी, तभी विश्वविद्यालयों के हालत खराब रहते थे। ऐसे में अब साल में दो परीक्षाएं शुरू होने पर परेशानी और बढ़ गई है। इसके साथ ही प्रदेश के कई कॉलेजों में परीक्षा भवन की कमी भी देखी जा रही है। जहां परीक्षा भवन मौजूद है, वहां पर दूसरे डिपार्टमेंट का वोकेशनल कोर्स का संचालन किया जा रहा है। सेमेस्टर परीक्षा की वजह से जहाँ सेशन नियमित है वहाँ लेट हो रहा, और जहाँ सेशन लेट है वहाँ और भी देरी हो रही है। मॉरिशस में भोजपुरी दिवस का हुआ आयोजन। भोजपुरी बिहार और यूपी में बोली जाने वाले मुख्य भाषाओं में से एक है, जिसकी प्रसिद्धि न केवल इन दोनों राज्य बल्कि देश और विदेशों तक भी है। इतनी प्रसिद्धि होने के बावजूद भी इसे पहचान दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया जा रहा है। इसी कड़ी में मॉरिशस सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव करवाई जा रही है, ताकि भोजपुरी को न केवल राज्य और देश बल्कि विदेशों तक भी मान्यता मिल सके। बता दें कि इस महोत्सव का उद्घाटन मॉरिशस के प्रधानमंत्री और इसका समापन वहां के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस महोत्सव में भोजपुरी को विश्व भोजपुरी दिवस मनाने की बात भी हुई है। साथ ही अगला भोजपुरी महोत्सव बनारस और गोरखपुर में करने की घोषणा की गई है। फोन किसी दूसरे को देने के दौरान इन बातों का रखे ख्याल। कई बार हमें किसी कारण से अपने फोन को किसी दूसरे को देना पड़ता है। यदि आपका फ़ोन खराब हो गया है तो दुकानदार को अपने फ़ोन को कुछ दिनों के लिए बनवाने के लिए देना होता है। यदि आप अपने फ़ोन किसी को भी दे रहे हैं तो ऐसे स्थिति में कोशिश करें कि आप अपने फ़ोन में मौजूद सभी बैंकिंग ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें। बैंकिंग ऐप्स को अनइंस्टॉल और लॉग आउट करने के दौरान ध्यान रखें कि आप ये काम किसी पब्लिक वाईफाई से ना कर रहे हों। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के साथ रथ पर सीएम नीतीश भी आए नजर। बीते ही दिन देर शाम पीएम मोदी का रोड शो भी देखने को मिला। रोड शो के दौरान पूरा पटना प्रशासन अलर्ट मोड पर था। चारों तरफ सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। पीएम मोदी का रोड शो भट्टाचार्य रोड से शुरू हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। इनके अलावा पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी पीएम मोदी के साथ रथ पर नजर आए। महाराजगंज में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मीरा कुमार ने भोजपुरी में की वोट अपील। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह को इस बार टिकट मिला है। कांग्रेस प्रत्याशी का मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से होने वाला है। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में वोट अपील करने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार पहुंची। यहां उन्होंने चुनावी सभा को भोजपुरी में संबोधित किया। मीरा कुमार ने कहा कि आकाश सिंह हमारा बेटा है, इकरा के एजे से जिता दी, 10 साल से रहुआ भाजपा के एजे से जिताइनी हा, कमल के फूल पर बटन दबौनी हा, बाकी अब ई तालाब के पानी बदल दी, काहे कि कमल के फूल मुरझा गई बा, हाथ के बटन पर उंगली लगा के आकाश के जिता दी। पटना में पीएम मोदी के चुनावी रोड शो के बाद मुकेश सहनी की पार्टी को बड़ा झटका। पटना में पीएम मोदी के रोड शो के बाद बिहार में भाजपा और भी ताकतवर होती जा रही है। दरअसल मुकेश सहनी की पार्टी को बीजेपी के चुनावी रोड शो से बड़ा झटका लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार चौहान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्र सहित पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है।
इन सभी को पार्टी की सदस्यता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ग्रहण करवाई है। ऐसे में बीजेपी ने वीआईपी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। आज पाटलिपुत्र सीट से मिसा भारती करेंगी नामांकन। बिहार में पांचवें और छठे चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सातवें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। आज लालू यादव की बेटी मिसा भारती भी सातवें चरण के लिए नामांकन करने वाली है। मालूम हो कि मिसा भारती पाटलिपुत्र से महागठबंधन की ओर से राजद की प्रत्याशी है। पाटलिपुत्र में चुनाव सातवें चरण में होंगे। मिसा भारती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आप सभी से सादर निवेदन है कि आप सभी श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल गांधी मैदान में आयोजित हमारी नामांकन सभा का हिस्सा बने और अपनी दीदी अपनी बेटी को अपना समर्थन सहयोग और आशीर्वाद दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच होगा दिलचस्प मुकाबला। सोमवार को यानी आज गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2024 का अगला मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इस मुकाबले में यदि गुजरात टाइटंस प्लेऑफ की रेस में पहुंचना चाहते हैं तो हर हाल में उसे कोलकाता नाइट राइडर्स को इस मुकाबले में हराना होगा। बता दें कि अभी केकेआर पॉइंट टेबल पर शीर्ष स्थान पर चल रही है, साथ ही इस टीम ने प्लेऑफ में भी अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे हैं। शुभमन गिल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शतक जड़कर जीत हासिल करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, साथ ही साई सुदर्शन भी अच्छा खेलते नजर आए थे। ऐसे में आज केकेआर के साथ होने वाले मुकाबले में इन दोनों का ही प्रदर्शन काफ़ी मायने रखेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 13 मई वर्ष 1638 में दिल्ली में लाल किले का निर्माण शुरू हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1952 में भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की पहली बैठक समाप्त हुई थी। आज के दिन वर्ष 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। आज के दिन वर्ष 1967 में जाकिर हुसैन भारत के पहले निर्वाचित मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। आज के दिन वर्ष 1998 में भारत ने पोखरण में दो परमाणु परीक्षण किए थे। आज के दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 2000 में मिस इंडिया लारा दत्ता ने साइप्रस संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। आज के दिन वर्ष 2010 में भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता ईला भट्ट को निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या गूगल की खत्म होगी बादशाह? जब भी हमें कुछ इन्फॉर्मेटिव जानना होता है या कुछ सर्च करना होता है तो हम सबसे पहले गूगल की मदद लेते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में गूगल की ज़रूरत ही खत्म हो जाए, यानी कोई ऐसा गूगल की टक्कर में और भी बढ़िया फीचर के साथ आए जिससे हमें इसकी ज़रूरत ही ना पड़े? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब गूगल को टक्कर देने के लिए ओपन AI जल्द ही DALL-E और सोरा AI जनरेटिव टेक्स्ट फोटो और वीडियो टूल्स लॉन्च करने के बाद अपने OpenAI वेब सर्च टूल को लेकर आ सकती है। हालांकि फिलहाल अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक कुछ लीक हुई बातों में इस चीज का दावा किया जा रहा है। जानिए कैसे लगता है गिफ्ट लेने और देने पर टैक्स। क्या आपको पता है कि हमारे देश में गिफ्ट लेने के साथ ही गिफ्ट देने पर भी टैक्स देना होता है? अगर नहीं तो आज हम आपको गिफ्ट टैक्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम उन गिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं जो छोटे मोटे होते हैं, हम उन गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं जो काफ़ी महंगे हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके माता पिता ने एक ऐसा अकाउंट खुलवाया है जहाँ वे आपके लिए पैसे जमा कर रहे हैं, पैसे आपके माता पिता के कमाई के, और इन पैसों पर बैंक से मिलने वाला ब्याज भी उन्हीं के कमाई में जोड़ा जाएगा। बैंक में आपके माता पिता के द्वारा जमा किए गए पैसे और उनके ब्याज जो आपको गिफ्ट के रूप में मिलेंगे उस पर भी टैक्स कटेगा। दूसरे उदाहरण को देखें तो यदि आपने अपने मकान को किसी को किराए पर दे रखा है, लेकिन इस मकान से आने वाला किराया आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार को जा रहा है, तो ऐसे में किराया आपकी कमाई का है लेकिन ये आपके रिश्तेदार को गिफ्ट के तौर पर मिल रहा है, तो ऐसे गिफ्ट पर भी टैक्स कटेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? ऑप्शन ए है पंकज मिश्रा, ऑप्शन बी है DY चंद्रचूड़, ऑप्शन सी है अरुण गोयल, ऑप्शन डी है फलेक्सकर मैक्सिकेटी। इसका सही उत्तर है DY चंद्रचूड़। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों AI से बचाने के लिए कानून को बनाया है? ऑप्शन ए है मैड्रिड, ऑप्शन बी है टेनेसी, ऑप्शन सी है बीजिंग, ऑप्शन डी है टोक्यो। इसका सही उत्तर है टेनेसी।
किसने एनसीआरबी का संकल्प ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है प्रहलाद जोशी, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी एस जयशंकर। इसका सही उत्तर अमित शाह। बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? ऑप्शन ए है नवादा, ऑप्शन बी है डेहरी, ऑप्शन सी है शेखपुरा, ऑप्शन डी है जहानाबाद। इसका सही उत्तर है नवादा। बिहार में खुशहाल सिंह के नेतृत्व 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है वजीरगंज यानी गया, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है सारण। इसका सही उत्तर है वजीरगंज यानी कि गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है नंद कुमार सिंह, नवल किशोर झा, पंकज कुमार दास, कृष्णा प्रसाद, सुबोध कुमार, राजेश मांझी, सुजीत कुमार, मुकेश कुमार, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद सद्दाम, संजीव भंडारा, सुजीत कुमार, अनिल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको बिहार की कौन कौन सी बोली बोलने आती है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।